ओम लक्ष्मी रूपेण संस्थानाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए, वधु को प्रथम कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम। बापू ये क्या हो रहा है? क्या राजा साहब, तो शादी का सिस्टम बदल दिया है। क्यों? दूल्हा बन के खुद ही के घर के आंगन में घोड़ा घुमा लिया था, अब खुद ही घर में शादी के फेरे ले लिया है। पूरा चक्कर उल्टा करिए। ये चुप कर राजा साहब, वो जो करिए वो ठीक करिए। ठीक करिए। पंडित जी, मंत्र पढ़ते रहिए, ये आखिरी फेरा है, हम इसको संभालता हूं। लेकिन पढ़िए मंत्र। अरिष्ट नाशनी नमः। कैसे आ गई? तुम्हारा पति हूँ, साथ फेरा करके लाया हूँ। नहीं नहीं, वो फेरे नहीं थे। मैं नहीं मानती उन फेरों को, मैं नहीं मानती शादी को। धोखेबाजी की तुमने मेरे साथ, धोखेबाजी। अरे छमिया, धोखेबाजी कहो या चालबाजी, बाजी तो हम मार गया हूँ। आज तो हम अपने अरमान का एक एक दिया जलाऊंगा। शादी किया हूं, मैरिज मैरिज। नजदीक आए तो मैं चिल्लाऊंगी। सुहागरात में तो सब दुल्हन चिल्लाता है, तुम भी चिल्लाओ। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम हमरा खून करोगी? अपना खून करूंगी गौरी, तुम्हें इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें नहीं अपनाऊंगी। तुम्हारा जान अब हमरा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जीना मरना हमरा हाथ में है, सब कुछ हमरा हाथ में है। हम चाहूं तो अभी का अभी तुम्हारा बलात्कार कर सकता हूं, मगर नहीं करूंगा, क्योंकि हम तुम्हारे साथ पति पत्नी का खेल खेलना चाहता हूं, इसीलिए ब्याह किया हूं तुम्हारे साथ। मगर अब बात चित पे अड़ गया है, अब हम तुमको लूटूंगा तो तुम्हारा मर्जी से। हम वो दिन का सूरज उगाऊंगा गौरी, हम इंतजार करूंगा। नहीं, नहीं। हंसकर हमरा जखम पर नमक छिड़क रही हो? देख रही हूँ, सोच रही हूँ और हैरान हूँ। मुझसे भी खूबसूरत
मुझसे भी हसीन फूल तो ले आए, मगर खुशबू खुशबू सूंघ न सके। इंदिया, हम सुना हूं कि औरत औरत का दिल जानता है। उस छोकरिया को ऐसा बनाओ कि वो ससुरी हम पर जान देने लगे। राजा साहब, सवाल जवाब नहीं, हम तुमको नोटों में तौल दूंगा। वो छोकरिया को दुल्हनिया बनाकर कल का फंक्शन में लाना तुम्हारा काम है। चल सकती थी, लेकिन तुझ में मेरे भैया की जिद अटकी हुई है। भैया तुझको चाहता है और मैं भैया को चाहता हूं। चाहत ने मौत को रोक लिया। ब्लडी फूल, तुम्हारा जिद के आगे हम सर झुकाया। फंक्शन में तुम्हारा जगह बिंदिया को बिठाया अपना घर का इज्जत बचाने के वास्ते, और तू हमरा घर का इज्जत लेकर बाहर भागने का कोशिश किया। अब हम तुमको बताऊंगा हमरा असली रूप। बहुत प्यार से बात किया हूं, अब हम तुमको अपना नफरत बताऊंगा। भूख और प्यास से लड़ेगी ना तो राजा के इशारे पे जीना सीख जाएगी ब्लडी फूल। शंकर, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं। लगता है छोरे के साथ बड़ा गलत हो रहा है। मैं तो बचपन से सुन रहा हूं कि दाल में काला, पर यहां तो पूरी दाल काली है। खाने वाले भी मन के काले, पकाने वाले भी मन के काले, इसलिए असलियत की कालिख तक पहुंचने को मन कर रहा है मेरा। मेरे बापू की बात कर रही है? गोपाल गोल जर्दा कौन खा रही है? मैं खा रही हूँ, तू खा रही है, थूक रही है। अबे खाएगा तो थूके गई ना, उल्टी कर रही है। उगल उगल, समझ गया तू, बापू से अंदर की बात उगलवाने की बात कर रही है। शंकर, उस मासूम लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, खंडर हो जाएगी हवेली देखना। क्योंकि भगवान बोले जिधर मासूमों के आंसू गिरे हैं उधर अंगारे बरसे। कितनी शर्म की बात है कि इस खेल में मेरा बापू भी भागीदार है और वो बेचारी। शंकर, वो क्या कर रही? देख, राजा साहब ने मेरी किस्मत पर तेल छिड़का और तुमने उसमें आग लगा दी। नरक से भी भयंकर आग में झोंक दिया तुमने मेरे जीवन को। अपने मालिक से थोड़ी सी बख्शीश पाने के लिए तुमने मेरे पूरे जीवन का सर्वनाश कर दिया। एक लड़की की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला तुमने, इतना बड़ा धोखा। अरे जब तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं होने वाला था तो क्यों भेजी अपनी तस्वीर? क्यों भेजी ये तस्वीर? इस तस्वीर को देखकर मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी। तुम्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया
अपने नाम के साथ तुम्हें जोड़ दिया, मगर तुमने तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो तस्वीर मुझे दी गई वो धोखा था, जिस तरह मेरा विवाह किया गया वो भी एक धोखा था, और इस सब की जड़ तुम हो। बोलो क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? अब मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे मरने भी नहीं देते। क्या कसूर है मेरा बोलो, क्या कसूर है? बोलो जवाब। किससे जवाब मांग रही हैं आप? किससे पूछ रही हैं? ये आपके किसी सवाल का जवाब दे नहीं सकता, चाहे आपको मालूम नहीं, ये बोल नहीं सकता। गुंगा ये गुंगा। वैसे भी गरीबों के मुंह में जबान होते हुए भी वो अमीरों की दुनिया में गूंगे बनकर जीते हैं। ये बेचारे राजे साहब की रोटियों पर उनकी लात उनके जूतों में बचपन से पल रहा है, मगर राजे साहब के जुर्म का ये भागीदार नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो गया है, शंकर बिल्कुल निर्दोष है, बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर। मुझे पिया हूँ। अरे हमरा दोस्त हमरा शादी का खुशी में पार्टी रखा, और हम साला इधर अकेला, नो वाइफ, तोड़ूंगा हमरा जोरू का घमंड, तोड़ूंगा माई वाइफ, हमरा पैर में माई फुट, ब्लडी फूल, ब्लडी फूल। आज हम हमरा इंसल्ट नहीं होने दूंगा। आज हम जागूंगा भी और जगाऊंगा भी। हाँ देखो, अभी अभी हम ठंडा पानी से अपना मुंह धोया हूं। हाँ देखो, हम आंख खोल के बैठा हो, तुम जल्दी कपड़ा निकालो। शंकर प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज कुआ खुद अपनी प्यास बुझाने तुम्हारे पास आया है। मेरी प्यास बुझा दो शंकर, मेरी प्यास बुझा दो शंकर। बुझाऊंगा, जरूर बुझाऊंगा। तू प्यासा कुआं, मैं जवानी का भंवर, डूब जा, बुझा ले, बुझा ले अपनी प्यास, बुझा ले। ये भंवर से कश्मीर की बच्ची है क्या? No!
देगा मुझे। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। तूने बिजुआ को छुआ? यही तेरी जगह है, हमारी जूती के नीचे, दो टके के गुलाम। नहीं नहीं बिजुआ नहीं, छोड़ दे जा। तूने मेरे मामले में टांग अड़ाई? नहीं बिजुआ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत? मत मार दे। के पिल्ले। अरे क्या हुआ रे बृजवा, क्यों मार रहा है शंकर को? पूछिए से, जब आप आंख बंद कर लेते हैं ये बिंदिया के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ाता है? आज आज रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया है मैंने। तू हमरा साथ धोखा किया, हमरा नौकर के पास गई तू, अब हम तेरी ऐसी प्यास बुझाऊंगा कि तू जिंदगी भर उस आग में जलती रहेगी। भाई ये हमरा हवेली का एक ऐसा खोटा हीरा है जो तुमरा बाजार में हर रात बिकेगा। अब ये हमरा हवेली का नहीं, तुमरा कोठे का रखेल है। बड़ी फूल गलत समझा।